Hello student, we are going to start the chapter The Constitution and the Need for Laws. Chapter 22 Social and Political Life Unit 3 about the chapter. Constitution signifies independence. It establishes the main organ of the government, the legislature, the executive and the judiciary. यानी संविधान का अर्थ आत्मनिर्भरता है। यह जो है सरकार के तीनों अंगों जैसे विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को स्थापित करता है। The Constitution defines the power and responsibility of each organ. It regulates the relationship between the three organ and also with the people. It also enumerates our rights and duty as citizen. Also, it contains our national goals such as democracy, secularism and socialism. To achieve these goals, it gives a plan of government. Every constitution gets meaning and content only from the manner in which and by the people by whom it is operated. In this way, our constitution is very important to us. It is our foremost duty to respect our constitution. यानी संविधान में इन तीनों अंगों की शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में परिभाषा दी गई है कि ये सरकार के तीनों अंग उनके संबंधों को स्थापित करते हैं यानी नागरिकों के संबंधों के साथ और ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्देश भी देती हैं। और यह बताती हैं कि हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है कि हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य में लोकतंत्र समाजवाद आदि आते हैं। इन उद्देश्यों में सफलता पाने के लिए हम सरकार को एक योजना देते हैं और हम यह बताते हैं कि लोगों द्वारा इसे कैसे बनाया गया और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमारा संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है कि हम अपने संविधान का सम्मान करें। नाउ ग्लोसरी सेंश्योर यानी किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज हार्शली, हार्मनी एग्रीमेंट इन ओपिनियन एंड एक्शन। हार्मनी मीन्स शांति, एस्पिरेशन चेरिस्ट डिजायर यानी इच्छा, वैलिडिटी मान्यता, द क्वालिटी ऑफ हैविंग इफेक्टिवनेस, लेजिटिमेसी, द क्वालिटी ऑफ हैविंग लीगल फोर्स यानी जिसके पास कानूनी अधिकार हो, पायरे वुड हीप्ड फॉर बर्निंग अ डेड बॉडी यानी चिता, पेटिशन अ फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट दैट इज सबमिटेड टू एन अथॉरिटी यानी प्रार्थना करना, स्पोरियस नॉट जीनियस यानी जो बनावटी हो, स्ट्रेंथ सिक्योर स्पोरियस नॉट जेन्युइन यानी कि इसका मतलब है बनावटी यानी जो नकली, स्ट्रेंथ सिक्योर कठोर और निर्दय। इन एंशियंट टाइम सोसाइटी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर इन डिफरेंट वे यानी पुराने समय से ही जो समाज है अपने सदस्यों के ऊपर अलग अलग तरीकों से नियंत्रण करता आ रहा है। दे वुड सेंश्योर द पर्सन इन रॉन्ग और इवन पनिशिंग जो इसकी आलोचना करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। रिलीजन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द पर्सन बिहेव हिमसेल्फ यानी जो धर्म है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। Nowadays, there are rules according to which a country is governed. These rules and principles which determine the governors of a country and give certain right to its citizens and charts our their duties are known as constitution of that कंट्री यानी अब के दिनों में देश को चलाने के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं
और इन नियमों और कानूनों के आधार पर ही देश चलाया जाता है और इसके लिए जो है नागरिकों को कुछ अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। इन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री यानी देश के संविधान के नाम से जाना जाता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम अ लैटिन टर्म विच मीन एज इम्पोर्टेंट लॉ। नाउ द टर्म इज यूज इन अ broader sense signifying a codified and often written document that established the rules and principle of a autonomous political entity in the context of a nation. It refers specifically to a body of rule, regulation and provision that define a fundamental political principle and establish the structure, procedures, powers, duty, etc. of a government. Almost all the independent country in the world today, where democracy, monarchy, any other form of government exist, have its own constitution. यानी कि इसमें बताया गया है जो संविधान है वो लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है जिसका मतलब है एक महत्वपूर्ण कानून, पर इनका अब जो प्रयोग है बहुत बड़े यानी कि बड़े भाग के ऊपर किया जाने लगा, जिसमें क्या है कि संविधान के जो नियम और कानून है लिखित रूप से हमारे सामने आए हैं और इनका बहुत ही महत्व है। और इसमें क्या है, इसमें रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोविजन डिफाइंस, इसमें हमें संविधान की परिभाषा, हमारी फंडामेंटल पॉलिटिकल क्या प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं और इसका स्ट्रक्चर, प्रक्रिया, पावर्स, शक्तियां और हमारी ड्यूटीज के बारे में और गवर्नमेंट की ड्यूटी के बारे में बताया गया है। ऑलमोस्ट ऑल द इंडिपेंडेंस, आज जितनी भी देश की यानी पूरे विश्व में जो देश हैं वहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका अपना ही संविधान है। After independence, it was necessary to imbibe the idea, imbibe जो होता है अपने मतलब कि मन में, imbibe the idea that inspired our freedom movements as the guiding principle of the newly independent nation. हमारी जैसे हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो यह आवश्यक यानी कि हमने मन में धारण कर लिए, इम्बाइब मीन्स मन में धारण कर लिए ये विचार कि हमने एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है और नए सिद्धांतों को इस नए राष्ट्र में लाना है। हेंस द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से संवैधानिक सभा का निर्माण हुआ और जिसमें संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। यानी हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को हमारे प्रभाव क्षेत्र में आया। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Our constitution contain valuable information regarding the structure, organ, duties and responsibility of the government. यानी हमारे संविधान में जो है बहुत बहुमूल्य जानकारी है सरकार के ढांचे के बारे में, इसके कौन कौन से अंग हैं, की कौन सी ड्यूटी है और इसके क्या कर्तव्य हैं। Our constitution has a system of check and balance. हमारे संविधान में चेक और बैलेंस यानी उनकी शक्तियों को चेक करने का और उनमें संतुलन करने का भी प्रावधान है। दिस प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। और यह शक्तियों के दुरुपयोग करने से भी रोकता है, यानी जो जिसके पास जैसे कोई शक्ति है उसको दुरुपयोग करने से भी रोकता है हमारा संविधान। बिकॉज इंडिया हैज डाइवर्स पॉपुलेशन, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सर्टेन right to protect the minority against the oppression by the majority. यानी भारत जो है विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। जैसे अल्पसंख्यक
लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट। यानी हमारे संविधान में यह भी प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों को जो है मौलिक अधिकार दिए जाएं और उनको सुरक्षित रखा जाए, और यह भी देखा जाता है कि सरकार द्वारा उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। नाउ नीड फॉर लॉ, यानी कानूनों की जरूरत। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया पीपल थिंक डिफरेंटली, द एस्पिरेशन एंड नीड्स आर डिफरेंट एंड दे फॉलो वेरिड कल्चर। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें बहुत इन ए लार्ज कंट्री, इस बहुत बड़े देश यानी कि भारत में लोगों की अलग अलग सोच हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनका अपना कल्चर है। तो ऑल दिस इज एनफ टू गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम। तो इसमें क्या है, इनमें आपस में झगड़े जन्म लेते हैं। द मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसके लिए समाज में कानून व्यवस्था की जाती है और लोगों को जो उनकी भलाई के लिए एंश्योर किया जाता है कि आपको ये सुविधाएं जरूर मिलेंगी। लॉ आर नीडेड, तो इसके लिए कानून की आवश्यकता होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। इसलिए संविधान जो है देश में कानून का शासन स्थापित करता है। दिस मीन दैट नो वन इज अबव द लॉ। इसका मतलब कि नो वन इज अबव द लॉ, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कानून से ऊपर नहीं है। एनीबॉडी हु ब्रेक द लॉ विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। जो भी इस कानून को तोड़ेगा उसे पनिश किया, उसे दंड दिया जाएगा। इन आवर कंट्री द लॉ ट्रीट एवरीवन इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर एंड वेल्थ। हमारे देश में जो है सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग या किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो। नाउ लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानूनों को मान्यता। एज यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ। आप लोग जानते हैं कि संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है कानून। ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वैलिडिटी लेजिटिमेसी टू द लॉ। इन कानूनों को ही संविधान में मान्यता मिलती है। इफ वी लुक अराउंड आवर सोसाइटी, अगर हम अपनी सोसाइटी में चारों ओर देखें तो वी विल फाउंड दैट देयर आर मैनी पीपल हु सफर ड्यू टू अनजस्ट सोशल प्रैक्टिसेस लाइक कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी। तो हम देखेंगे कि बहुत से लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो रहा है, जाति के आधार पर उनके साथ छुआछूत हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट हैज पास सेवरल लॉ टू एंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस। इसके लिए भारतीय सरकार ने जो बहुत सारे कानून पास किए, जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी टू अचीव दिस पर्पस, उनको सफलता के अवसर दिए हैं। बट देयर आर टाइम व्हेन एवरीवन डज नॉट रिस्पोंड टू द चेंज, मतलब कि कई बार जो है हर किसी को ये बदलाव नहीं मिलते या कोई नहीं बदलता। इन सच ए केस गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव टू द फोर्स टू चेंज द इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं इनमें सुधार करने के लिए। सम सच लॉ आर एज फॉलो, और इसके लिए कुछ कानून भी बनाए हैं जो इस प्रकार हैं। नाउ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी दहेज प्रथा को बंद करना, इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था 1961 में। डाउरी इज द मनी, डाउरी मतलब कि दहेज जो है एक पैसा या गिफ्ट है, गिवन टू द ग्रूम बाय द ब्राइडल फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिसमें जो लड़की वाले जो हैं लड़के की फैमिली को शादी के समय देते हैं। ऑफन डाउरी डिमांड्स कंटिन्यू आफ्टर मैरिज, ये दहेज की जो मांग है शादी के बाद भी लगातार बनी रहती है। द इनएबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड रिजल्ट इन फिजिकल और मेंटल टॉर्चर इन द ब्राइड्स एंड एक्सट्रीम केस लीड टू डेथ। मतलब कि क्या होता है, जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो उन्हें फिजिकल और मेंटल रूप से टॉर्चर किया जाता है और एक्सट्रीम केसेस, और कई बार जो है किसी की मृत्यु भी हो जाती है। टू कर्व द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी,
द गवर्नमेंट पास द डायरी प्रोहिबिशन एक्ट। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए जो डायरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 में बनाया गया, दिस एक्ट प्रोहिबिटेड गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डायरी। हालांकि इस एक्ट में जो है किसी से दहेज कोई ना ले सकता है ना दे सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनीवन कैच गिविंग और टेकिंग डायरी इज लायबल फॉर बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अगर कोई दहेज लेता पकड़ा गया तो उसे जेल भी हो सकती है और उसे फाइन भी देना पड़ता है। नाउ इनडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि अश्लील प्रेजेंटेशन, द इनडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स एक्सेट्रा। यानी महिलाओं के जो चित्र हैं जैसे पब्लिकेशन, किसी पेंटिंग में, सब में बनाने के लिए, इसके लिए भी मनाही है। तो हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट, इसके इस एक्ट के अनुसार उसे प्रतिबंधित किया गया है। द कमीशन ऑफ सती, सती इज एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया विच वुमेन आर फोर्स टू बर्न देमसेल्फ ऑन द फनरल पायरे ऑफ देयर हस्बैंड। सती प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है जिसमें एक स्त्री को अपने पति की चिता के साथ जलना होता था। इन सम केसेस इट वॉज डन, लेकिन इसको प्रोहिबिटेड यानी बंद कर दिया गया है। नाउ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1996। वन ऑफ द फॉल आउट ऑफ द डाउरी सिस्टम इज द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। यानी डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के बाद जो है कन्या भ्रूण हत्या जो है ये भी एक सामाजिक बुराई है। इवन टूडे डॉटर आर कंसिडर्ड ए फाइनेंशियल बर्डन बाय मैनी पीपल। आज के समय भी लोग बेटियों को जो है अपने ऊपर आर्थिक बोझ समझते हैं। थस फीमेल फोर्टिफाइड इज ऑन राइज। इस तरह से कन्या भ्रूण हत्या जो है उदय हुई। दिस प्रैक्टिस हैज अफेक्टेड इंडिया सेक्स रेशियो। द 2001 सेंसस शोज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 एज कम्पेयर टू द 1991 सेंसस। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार जो है फीमेल यानी कि लड़कियों की जनसंख्या जो है कम थी लड़कों की अपेक्षा। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस देयर आर 927 फीमेल पर 1000 मेल इन द एज ग्रुप ऑफ 06। यानी कि 2001 में जो जनगणना हुई उसमें 1000 पुरुषों के पीछे 927 लड़कियां थी एज अगेंस्ट 9945 फीमेल्स फॉर 1000 मेल इन 1991। उसके बाद जो 1991 में थे उसमें 1000 पुरुषों के पीछे 945 फीमेल्स यानी औरतें थी। टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड द गवर्नमेंट हैज पास द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। यानी कि इस प्रथा को यानी फीमेल फर्टिसाइड को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया, इट वॉज ब्रॉट इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1996। ये जो है 1 जनवरी 1996 को प्रभाव में आया। द PNDT एक्ट प्रोहिबिट द डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ फोटो। यानी कि इसमें जो है लड़का या लड़की के पता लगाने के ऊपर मनाही कर दी गई। इट वॉज प्रोहिबिट्स एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनी वॉयलेशन ऑफ द PNDT एक्ट कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अगर किसी ने इस एक्ट के खिलाफ हिंसा की या इसके विरुद्ध आवाज उठाई तो उसको जेल में डाल दिया जाता था और उससे फाइन भी ले लिया जाता था। लॉ एंड डिसेंट्स यानी कानून और मतभेद। वन व्हेन अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल then people protest the law by showing their dissent। यानी कि जब जो सरकार है कोई कानून बनाती है तो वो लोग उससे खुश नहीं होते तो इसके विरोध में वो उन दोनों में मतभेद स्थापित हो जाता है यानी वो प्रोटेस्ट करते हैं। This had happened quite often when India was under British rule। यह
तब से होता आ रहा है जब भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था। This still happens sometimes even after India has gained independence. ये अब भी घटित हो रहा है जब भारत जो है स्वतंत्र हो गया। Dissent can be two type. Dissent होते हैं मतभेद, दो प्रकार के होते हैं। Constructive dissent. The constructive dissent is a creative way of showing dissent. मतलब कि एक क्रिएटिव वे में हम अपना मतभेद दिखा सकते हैं। In form of dissent, people show their disagreement in a peaceful manners instead of resorting to destructive way. हालांकि ये शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतभेद दिखाते हैं सरकार के खिलाफ। For example, if the student of a university are not happy with a regulation passed by their vice chancellor, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो खुश नहीं है जो एक्ट पास किया गया है, तो दे मे सबमिट ए पिटिशन टू वीसी टू लुक इन टू द मैटर इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग टू बर्निंग फर्नीचर और रोड ब्लॉक। बजाय कि इसके कि वो रोड ब्लॉक करें या फर्नीचर आदि जलाएं, इसके लिए क्या करते हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से एक प्रार्थना डाल देते हैं या रिक्वेस्ट डाल देते हैं अपने वाइस चांसलर के नाम पर। नाउ डिस्ट्रक्टिव डाइसेंट, पीपल प्रोटेस्ट टू शो डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द लॉ विच आर नॉट फेवरेबल फॉर देम, यानी कि जो उनके फेवर में नहीं है उसके प्रति वो डिसएग्रीमेंट असहमति प्रकट करते हैं। वी ऑफन फाइंड स्टूडेंट कम्युनिटीज यूनियन ब्लॉकिंग रोड एंड सिटिंग पब्लिक प्रॉपर्टी ऑन फायर एंड बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम द लॉ, अगर वो सिस्टम से खुश नहीं है तो वो हड़तालें करके बैठ जाते हैं, रोड को ब्लॉक कर लेते हैं। तो सच डिस्ट्रक्टिव डिसेंट कैन ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन एंड अनहैप्पीनेस टू आर, ये जो है ऐसा जो मतभेद है वो सिर्फ अप्रसन्नता और विनाश ही ला सकता है। द साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930, द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट्स बिगेन विद गांधी जी ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट जो है इसमें गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ा था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेकिंग ऑफ साल्ट वाज गवर्नमेंट मोनोपोली, ये सरकार की जो है रणनीति थी। दिस लॉ प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम मेकिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन, इस एक्ट के अनुसार जो है भारतीय लोग जो है नमक नहीं बना सकते थे सरकार की परमिशन के बिना। गांधी प्रोटेस्ट द लॉ विद द फेमस डांडी मार्च, गांधी जी ने इसका विरोध किया जो लोकप्रिय डांडी मार्च किया उन्होंने ऑन 12 मार्च 1930। गांधी जी एंड 78 अदर मेंबर्स ऑफ साबरमती आश्रम, और 78 मेंबर्स जो साबरमती आश्रम में थे अहमदाबाद स्टार्टेड टू वॉक फॉर डांडी, उन्होंने अहमदाबाद से यात्रा शुरू की अ कोस्टल विलेज इन गुजरात टू ब्रेक द साल्ट लॉ, और गुजरात में इस जाके इस कानून को तोड़ा। दे रीच एट द सी कोस्ट ऑन 6 अप्रैल 1930 एंड ब्रोक द साल्ट लॉ द सेम डे बाय मेकिंग सम साल्ट फ्रॉम सी वाटर, इट वॉज एन इलीगल एक्शन। द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ बाय गांधी जी वॉज फॉलो बाय सिमिलर एक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, ये नमक को तोड़ने वाला जो कानून है देश के सभी भागों में एक समान रूप से किया गया। साल्ट सत्याग्रह बिकम ए वेरी इफेक्टिव मूवमेंट इन कोस्टल एरिया ऑफ पुरी कटक बालासोर इन ओडिशा। नाउ एंटी लिकर कैंपेन, ड्रिंकिंग लिकर इज ए सोशल इवल दैट हैज रिजल्टेड इन रुइनिंग मैनी लाइव्स, पुअर पीपल वेस्ट देयर हार्ट अर्न मनी ऑन ड्रिंकिंग लिकर विच इज बैड फॉर देयर हेल्थ, द फैमिली सफर ड्यू टू डेथ ऑफ देयर ब्रेड विनर आफ्टर ड्रिंकिंग स्पोरियस लीकर, यानी शराब पीना एक सामाजिक बुराई है, इसके परिणाम स्वरूप जो है कई जिंदगियां जो है बर्बाद हो जाती हैं, गरीब लोग जो है अपनी मेहनत की कमाई इस शराब के ऊपर खर्च करते हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए भी बहुत बुरी है, और द फैमिली सफर ड्यू टू द डेथ ऑफ, और इसके बाद जो है उनके परिवार उनकी मृत्यु के बाद जो है सफर करते हैं, यानी उनको उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रह जाता। एट द
टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी ट्राई टू रूट आउट ऑफ दिस हार्मफुल हैबिट। इंडिपेंडेंस के समय में महात्मा गांधी ने इस हानिकारक हैबिट को जड़ से मिटाने का प्रयास किया। दिस इज द रीजन प्रोहिबिटेड ऑफ लिकर इज इंक्लूडेड इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट फोर्थ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी का कारण था कि ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पार्ट फोर्थ में संविधान का इसको एक भाग बनाया गया। इन 1956 अ प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड टू एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सजेस्ट स्टेप टू कंट्रोल इट। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई इसकी देखरेख में और उनसे सलाह मांगी गई कि इस पे कैसे नियंत्रण किया जाए। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वर एक्सेप्टेड इन 1956 एंड रिसोल्यूशन वाज पास्ड इन लोकसभा टू मेक एंटी लीकर कैंपेन अ पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रोहिबिटेड ऑफ लीकर इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर फाइव ईयर प्लान। मैनी स्टेट हैव इम्पोज अ टोटल बैन ऑन सेल ऑफ लीकर। यानी सब इसके बाद 1956 में जो है इसके लिए कमेटी बिठाई गई और जिसमें इसकी जांच की गई और इसके नियंत्रण के लिए भी इसके लिए क्या क्या कंट्रोल किए जाए ये सुझाव मांगे गए। और इस में कमेटी के द्वारा 1956 में इसके सुझावों को स्वीकार भी कर लिया गया कि कौन कौन से इनके सुझाव हैं। तो लोकसभा में जो है एंटी लीकर कैंपेन जो है इसका विकासशील प्रोग्राम का एक भाग बन गया। प्रोहिबिशन ऑफ लीकर इज ए पार्ट ऑफ, इसी तरह से शराब बंदी को जो है 5 वर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया। बहुत सारे राज्यों ने इसके ऊपर बैन लगा दिया यानी इसको प्रतिबंधित कर दिया यानी शराब पीने पर। हाउ एवर बिसाइड द लॉ सोशल अवेयरनेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल दिस इवल। यानी कानून के अनुसार सामाजिक यानी पूरे समाज में अवेयरनेस यानी चेतना जागृत की गई और यह भी बताया गया कि यह एक बुराई है। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस रिहैबिलिटेशन सेंटर आर हेल्पिंग पीपल इन गिविंग अप दिस हैबिट्स। यानी ये सारे जो केंद्र थे ये इस हैबिट को छुड़वाने के लिए इनकी हेल्प कर रहे थे। सम मोर स्ट्रेंथ मेजर नीड टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट दोज हु डील इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीकर एंड ड्रग्स। और सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कदम उठाए गए कि जो इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे इस लीकर का यानी लोगों तक इसको पहुंचा रहे थे शराब को। नाउ रूल ऑफ लॉ, पासिंग ऑफ लॉ डज नॉट नेसेसिटी मीन द इश्यूज रिलेटेड टू दैट आर रियलाइज्ड। यानी कि कानून बना देने से सारे विषय समाप्त नहीं हो जाते। सोसाइटी एज ए होल हैज टू टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन सोशली रेलिवेंट इश्यू। यानी समाज को बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं इन विषयों पर। द मीडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अराउजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस। मीडिया जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है लोगों को जगाने में यानी लोगों तक ये पहुंचाने में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि संविधान देश का जो संविधान जो है देश को एक प्रशासनिक। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। हमारा जो संविधान है वो देश को एक प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है। ए लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल कैन बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसा कानून बनाते हैं जो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता, उस कानून को शून्य कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नल मतलब कि शून्य और वॉइड का मतलब भी शून्य होता है। थस द रूल ऑफ लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट नो वन इज अबव द लॉ। कानून के शासन में ये बताया जाता है कि कोई भी जो है कानून से ऊपर नहीं है। दिस नॉट ओनली रेगुलेट द पावर ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो स्ट्रेस दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि सभी जो है कानून के सामने एक समान है।
Thus, we can say that democracy and rule of law complement with each other. इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र और कानून का शासक है, दोनों जो एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. Here your chapter is over.